कहाँ जाने का है? अंदर जाने का और क्या है? जानता भी है तो क्या है अंदर? क्या है? साहब लोगों की जगह है बे, भिखारियों की नहीं है। चल निकल। दोस्त भिखारी नहीं है अपन, बहुत पैसे अपने पास। पहले औकात बना, हैसियत बना और फिर आना। Hello darkness my old friend. पिछली बार क्या बोला था? औकात। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपको 2020 में इंटेल के प्रोसेस या फिर आपको एएमडी बेस्ड राइजन के प्रोसेस लेने चाहिए या नहीं। इस वीडियो में मैं आपको हेल्प करूंगा कि आपको कौन सा प्रोसेसर लेना चाहिए या नहीं। मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सा प्रोसेसर आपके लिए अच्छा है एंड कौन सा प्रोसेसर नहीं अच्छा है एंड आपको कौन सा प्रोसेसर लेना चाहिए। तो गाइज, अगर आपका भी इंटरेस्ट पीसी बिल्डिंग या फिर टेक वीडियोज में है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड इस वीडियो में आपके इंटेल वर्सेस एएमडी रिलेटेड जितने भी डाउट्स है वो सारे के सारे क्लियर कर दूंगा। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना, अगर लास्ट तक नहीं देखोगे तो हाफ नॉलेज होगी एंड हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस देन नो नॉलेज। तो गाइस वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं, बट उससे पहले लेट्स रोल द इंट्रो। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं दोनों कंपनीज के प्रोसेसर्स के करंट सिनेरियो की। तो गाइस मैं इस वीडियो को बनाने से पहले इंटेल के 10th जेन प्रोसेसर के लॉन्च होने का वेट कर रहा था एंड इंटेल के 10th प्रोसेसर के आने के बाद अब मुझे इंटेल के अच्छे दिन के आने की भी उम्मीद नहीं दिख रही है। ये का बवासीर बना दिया हो? इंटेल गाइस अभी भी 5 साल पुरानी टेक्नोलॉजी पे बेस प्रोसेसर बनाने में लगा हुआ है जो कि आपके किसी भी मतलब के नहीं है। एंड मैं आपको आज की तारीख में इंटेल के प्रोसेसर सजेस्ट नहीं कर सकता, मैं आपको राइजन ही सजेस्ट करूंगा। चाहे आपका पर्पस कुछ भी हो, मैं आपको इंटेल नहीं सजेस्ट कर सकता, मैं आपको राइजन ही सजेस्ट करूंगा। अब राइजन सजेस्ट करने के पीछे का रीजन भी आप सुनिए। तो सबसे पहली चीज जो है कि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाइक 7 नैनोमीटर बेस प्रोसेसर रिलीज कर रहे हैं जो कि लास्ट जेन प्रोसेसर से काफी ज्यादा फास्ट है। एंड दूसरी बात, ये इंटेल से चीपर पड़ते हैं जो कि काफी अच्छी बात है मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू। एंड जो राइजन है वो मल्टी कोर प्रोसेसिंग को सपोर्ट करता है एंड इंटेल जो है वो सिंगल कोर प्रोसेसिंग को सपोर्ट करता है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि इंटेल जो है हमें बेस्ट गेमिंग करवाता है, तो भाई उनके लिए मैं यही बोलना चाहूंगा कि भाई जो इंटेल का पुराना प्रोसेसर था एंड जो राइजन के सेकंड जन प्रोसेसर थे उसमें इंटेल आगे था, बट अभी जो लेटेस्ट राइजन के 3rd जन प्रोसेसर आए हैं एंड इंटेल के जो लेटेस्ट 10th जन प्रोसेसर आए हैं उनमें ऑलमोस्ट गेमिंग की परफॉर्मेंस सेम ही है। काफी लोग मुझसे बोलेंगे कि भाई हमको सिर्फ गेमिंग करनी है, प्रोडक्टिविटी के जैसा कुछ भी नहीं करना है, तो उनके लिए मैं यही बोलना चाहूंगा कि भाई जब आपको सेम परफॉर्मेंस विद इन द चीपर प्राइस मिल रही है तो लेने में क्या ही हर्ज है। अभी देखो मैंने तो बोल दिया, बट इट डिपेंड्स ऑन यू, आप मानो या ना मानो। इंटेल के डाई हार्ड फैंस का हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम वो लोग हैं जो केवल क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट्स को चूज करते हैं एंड उनको परचेज करते हैं, चाहे वो इंटेल दे या फिर राइजन दे। इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए मैंने इंटेल के 10th जन प्रोसेसर एंड राइजन के 3rd जन प्रोसेसर का एक छोटा सा कंपैरिजन बनाया है जो कि मैं आपके सामने रखने वाला हूं। मैंने इसमें इंटेल के i3 से लेकर i9 एंड राइजन के r3 से लेकर i9 तक के प्रोसेसर का कंपैरिजन किया है, तो इसको देखने के लिए हम चलते सीधे हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो गाइस जैसे कि आप अभी अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने एक टेबल बना के रखी है, उसमें मैंने सारे प्रोसेस को कंपेयर करा है एंड उनके जो स्पेसिफिकेशन हैं उनको भी कंपेयर करा है एंड मैंने इन द एंड जो प्राइसेज हैं अमेजन के .in के प्राइसेज मैंने उनको लिखा है एंड उनके बारे में भी डिस्कस करा है कि आपको कैसे पता लगे कि जो प्रोसेसर कितने का है एंड ये जो प्राइसेज हैं वो आज की डेट के हैं, जिस दिन मैं आज के दिन ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज की डेट के प्राइसेज हैं। प्राइसेस थोड़े वैरी हो सकते हैं बट आपको ज़्यादा चेंजेस नहीं देखने मिलेंगे, जैसे कि मैं हमेशा बोलता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। अभी जो सबसे पहली चीज़ है आप देख रहे हैं कि कोर i3 है, 10th जनरेशन की बात कर रहा हूँ, कोर थ्रेड है 4 एंड 8 मिनिमम एंड मैक्सिमम बूस्ट क्लॉक है 3.6 से लेकर 4.3 आपको स्क्रीन पर दिख ही रही है। L3 कैश 6 MB की है एंड जैसे कि मैंने बोला कि पुरानी टेक्नोलॉजी पे बना रहा है प्रोसेसर जो कि आप देख पा रहे हैं 14 नैनोमीटर की है, डिफॉल्ट DDP 65 वाट का है एंड 11,900 का आज की डेट पे अमेज़न पे मिल रहा है। अब अगर हम इसको कंपेयर करते हैं राइजन 3 3100K जो कि बेस प्रोसेसर है राइजन 3 सीरीज़ का,
तो सेम आपको वही कोर वही थ्रेड मिल रहे हैं, मिनिमम एंड मैक्सिमम बूस्ट क्रॉप में थोड़ा सा डिफरेंस है, बट मैं आपको बता देता हूँ इसमें जो एक और चीज़ है जो आई थिंक हिडन है और बहुत सारे लोगों के साथ नहीं पता है। इंटेल बेस्ड प्रोसेसर में क्या होता है कि आपको मैक्सिमम बूस्ट क्लॉक फ्रिक्वेंसी ज़्यादा दी होती, बट आपको प्रोसेसर को ओवरक्लॉक करना पड़ेगा तब आप ये जो 4.30 GHz की फ्रिक्वेंसी है आप वो फ्रिक्वेंसी तब अचीव कर पाओगे, आपको ओवरक्लॉक करना पड़ेगा। एंड ओवरक्लॉक स्टॉक कूलर पर करने के लिए मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करता हूँ। मोस्टली लोग जो इस टाइप का कोर i3 खरीदते हैं उनका बजट ज़्यादा नहीं होता एंड वो स्टॉक कूलर ही लगाते हैं, तो स्टॉक कूलर पे आप ओवरक्लॉक नहीं कर सकते, तो आप ये स्पीड अचीव ही नहीं कर सकते, ठीक है। बट इन केस ऑफ राइजन प्रोसेसर पहले से ही अनलॉक्ड मिल रहे हैं, सबको आ रहे हैं, एंड ये अपने मतलब ज़रूरत के हिसाब से अगर आपकी कंपटीशन ज़्यादा है मतलब ऑटोमेटिकली 3.90 GHz पे लेके चला जाएगा। उसके बाद जो दूसरी सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है वो लगती है कि ये L3 कैश जो है 16 MB है, मतलब काफ़ी ज़्यादा हाई है, उससे प्रोसेसिंग की पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड यहीं पे आप अगर देख रहे हैं तो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है 7 nm की, उसको यूज़ कर रहे हैं एंड डिफ़ॉल्ट TDP मतलब उतने TDP पावर सब यूज़ कर रहा है जितना Core i3 यूज़ करता है। एंड प्राइस में अगर देखेंगे तो 8,999 जो कि Amazon का प्राइस है, तो प्राइस में भी आपको 2-3 हज़ार का अंतर देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छा खासा आई थिंक अंतर है। तो अब यहाँ बात करते हैं कोर i5 को लेके, इनकी इसमें भी 6 कोर 12 थ्रेड हैं, 2.9 से लेकर 4.3 तक इसकी फ्रिक्वेंसी रेंज है, बट वही इस पर भी सेम लॉ अप्लाई होता है कि अगर ये ओवरक्लॉक नहीं है तो फिर उतनी फ्रिक्वेंसी को अचीव नहीं कर सकता है। एंड 12 MB की इसके L3 कैश, अब आप देख सकते हैं कि इसके राइजन 3 के L3 कैश इसके कोर i5 से भी ज़्यादा है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इंटेल पुरानी टेक्नोलॉजी पर ही जो लगा पड़ा है अभी भी 35 W की TDP है। एंड ये 18,800 का, अब अगर यहीं इनको इसको हम कंपेयर करें राइजन 5 3600 के साथ तो सेम कोर हैं एंड फ्रीक्वेंसीज भी ऑलमोस्ट सेम है, बट L3 कैश वो बहुत ही ज़्यादा हाई, 32 MB बहुत ज़्यादा हाई है। एंड ट्रस्ट मी, मैं खुद राइजन 5 3600 यूज़ कर रहा हूँ एंड इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा कमाल की है, मुझे काफ़ी कमाल के रिजल्ट देखने को मिलते हैं। सेम 7 nm टेक्नोलॉजी है जो कि इंटेल अभी बना ही नहीं रहा, उसमें बना ही नहीं, बात कर रहा मैं बोला। और प्राइस की बात करें 16,500, अब आप यहाँ पर भी देख रहे हैं कि आपके 2,000 रुपये आराम से बच रहे हैं। चलिए बात करते हैं i7 और राइजन 7 की, तो सेम 8-16 कोर पे हैं दोनों प्रोसेसर, मिनिमम और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा अंतर है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी है 2.90 GHz, जो कि मैं मानता हूँ कि i7 कोई परचेस करा तो उसका इतना बजट तो होगा कि वो मतलब CPU कूलर खरीद सकता है एंड वो अचीव कर सकता है अगर ओवरक्लॉक करे 4.2 GHz की। बट राइजन 7 में ने तो मतलब सारी बाउंड्रीज तोड़ दी हैं, वो उसको भी पीछे छोड़ के अगर आप नहीं भी यूज़ कर रहे तो स्टॉक कूलर पे आपको 4.4 GHz की फ्रीक्वेंसी देगा, तो जो कि उससे काफ़ी अदा है। एंड सेम एज L3 कैश भी इसकी ज़्यादा है, 32 MB की है एंड टेक्नोलॉजी की तो हम हर बार बात ही कर रहे हैं। एंड प्राइस में अगर हम देखेंगे तो वो 33,800 का Amazon पे एंड ये 29,900 का है, तो वही फिर 2-3 हज़ार का यहाँ पे भी हमको अंतर देखने को मिल रहा है। तो आप देख रहे हैं कि कैसे राइजन चीपर आपको दे रहा है प्रोडक्ट्स एंड ऑलमोस्ट वो कम्पीट ही कर रहा है इंटेल के साथ, इवन कई बार तो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है इंटेल से ज़्यादा। अब बात करते हैं i9 की, बात करते हैं 10,900 की एंड राइजन 9 1300X की बात करते हैं। यहाँ पे आपको जस्ट गेम चेंज देखेंगे पूरी तरीके से। i9 में आपको 10 कोर एंड 20 थ्रेड मिल रहे हैं एंड राइजन 9 में आपको 12 कोर 24 थ्रेड मिल रहे हैं, जो कि आप जैसे देख रहे हैं ज़्यादा है। फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा चेंजेस है, इंटेल बूस्ट क्लॉक करने पे 5.20 GHz की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम अचीव कर ले रहा, बट राइजन हमारा 4.6 GHz पे अटका है। बट अब यहाँ पे एक और खेल आता है, यहाँ पे आता है L3 कैश की बात, तो राइजन i9 आपको केवल 20 MB की ही L3 कैश दे रहा, बट राइजन आपको मतलब कमाल की 64 MB की, बहुत हाई होती है 64 MB की L3 कैश, सब बहुत फास्ट होता है प्रोसेसर एंड थोड़ा TDP का है। यहाँ पे राइजन 9 थोड़ी ज़्यादा TDP यूज़ कर रहा है। एंड अगर अब हम प्राइस की बात करें तो पहली बात तो ये 10th जनरेशन काफ़ी सारे प्रोसेसर इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है, तो सबसे बड़ी चीज़ तो इंटेल की यहीं पे ड्रॉबैक है, आप कह सकते हैं फेलियर दिख रहा है आपको कि ये अवेलेबल ही नहीं है। तो मैंने इसके amazon.com पे चेक करा, वहाँ पे 56,326 रुपये का मिल रहा था amazon.com पे एंड
amazon.in पे हमको राइजन 9 45,000 का मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 10 से 11,000 रुपए का अंतर है। एंड अब 11,000 रुपए आप सोचिए बचा के इसको अपने ग्राफिक्स कार्ड में लगा सकते हैं और अच्छा मदरबोर्ड ले सकते हैं और ज़्यादा रैम लगा सकते हैं कूलर में, मतलब कहीं पे भी आप अपने पुट कर सकते हैं। तो आई होप गाइज आपको इस वीडियो के थ्रू काफ़ी कुछ समझ में आएगा कि आपको कौन सा प्रोसेसर लेना चाहिए एंड कौन सा प्रोसेसर नहीं। मेरी सजेशन तो यही है कि मैं आपको राइजन ही सजेस्ट करूँगा। आपका कोई भी पर्पज़ हो, चाहे गेमिंग हो, चाहे स्ट्रीमिंग हो, या कोई पर्पज़ हो, तो आप राइजन ही परचेस करिए इन 2020। इंटेल अभी लेने का कोई भी मतलब नहीं है और मुझे लगता नहीं कि हाल के टाइम में भी अब इंटेल कोई चेंजेस लाएगा, क्योंकि हम लोग का काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे यूट्यूबर, काफ़ी सारे पीसी बिल्डर्स उम्मीद कर रहे थे कि इंटेल आप शायद कुछ नया करे, आप कुछ नया करे, आप कुछ नया करे, बट वो 2-3 साल से वही घिसा पिटा लगा लाप रहा है 5 साल पुराना, तो जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है मेरे हिसाब से। एंड आपको नहीं लेना चाहिए अगर आप इंटेल फ़ैन हो, तो भी मेरा आपको सजेशन है कि आप मेरे सजेशन के हिसाब से आप राइजन एक बार ट्राई करो, आपको ज़रूर अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी फॉर श्योर। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दिए, एंड अगर आपको कोई भी डाउट रह गया या फिर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं सारे के सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, रिप्लाई करता हूँ। एंड प्लीज़ गाइज इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोज़ आता रहता हूँ काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे, क्योंकि आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को भी दबा देना ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो आप तक बराबर पहुँचता रहे। एंड इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं आपको मिलता हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड पीस।